प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर यानी आज अपने एक दिवसीय अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी इस दौरान 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या धाम में आज विकास के युग का सूत्रपात होने जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि आपके यशस्वी और विजनरी नेतृत्व में अयोध्या धाम की विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करते हुए उसके समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास साबित होने वाला है। श्री राम की नगरी अयोध्या से देश के अन्य शहरों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या का पूरी तरह कायाकल्प किया जा रहा है। अयोध्या को नई पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके लिए राम भक्त अब फ्लाइट्स के माध्यम से भी अयोध्या पहुंच सकेंगे। अयोध्या के इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। इसके अलावा वे अयोध्या के रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन को देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग स्टेशनों से संचालित होने वाली 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।